हॅलो फ्रेंड, दिस इज डॉक्टर अनिल मीणा. आई एम सीनियर ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपिस्ट. फ्रेंड, आज हम बात कर रहे हैं फुट फ्रैक्चर, यानी हमारे पैर की बोन के फ्रैक्चर के बारे में. क्योंकि फ्रेंड, यहाँ पर आप लोगों को कई कमेंट्स हैं कि सर मेरे को कैल्केनियन का फ्रैक्चर है, मेरे को टेलस बोन का फ्रैक्चर है, मेरे को मेटाटार्सल बोन का फ्रैक्चर है, मेरे को फेलेंजस का फ्रैक्चर है. तो सबसे पहले तो ये कमेंट्स होता है कि सर ये कितने दिन में जुड़ जाएगा. उसके अलावा कई लोगों ये भी कमेंट देते हैं कि सर मुझे यहाँ पर सर्जरी कराएं या प्लास्टर करवाया जाए, यानी इसका ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है. उसके अलावा यहाँ पर एक कमेंट पैदा होता है कि सर मेरा फ्रैक्चर जुड़ चुका है, तो अब जैसे कि मेरा जोड़ है वो जाम हो चुका है, अब मैं अपने जोड़ को जैसे कि नॉर्मल पोजिशन यानी नॉर्मल पर चलना कब तक हो जाएगा, यहाँ पर मुझे कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए. तो फ्रेंड, इन सभी कमेंट्स को जवाब मिलेंगे आज आपको इस वीडियो के अंदर. शुरू करते हैं फुट फ्रैक्चर के बारे में. फ्रेंड, यह है हमारा सेकंड पार्ट, जो हमारे फर्स्ट पार्ट में रह गया था. सेकंड पार्ट में, इस पार्ट में हम उसको कवर करेंगे. तो यहाँ पर हम फुट फ्रैक्चर को समझने से पहले फिर से एक बार थोड़ा सा जानेंगे इसकी एनाटॉमी के बारे में. फ्रेंड, जो हमारा फुट होता है, फुट को हम तीन भागों में डिवाइड कर लेते हैं, यानी हाइंड फुट यानी एक से पीछे वाला, मिड फुट बीच का, और फोर फुट आगे वाला, जिसे आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं. सो फ्रेंड, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ हमारे फोर फुट के बारे में. फ्रेंड, फोर फुट हमारा मिलकर बनता है यहाँ पर मेटाटार्सल और फेलेंजस बोन से. मेटाटार्सल की बोन होती है यहाँ पर फिफ्थ, यानी पांच मेटाटार्सल की बोन पाई जाती है, और 14 होती है हमारी, यानी 14 होती है हमारी उंगलियाँ यानी फेलेंजस. तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मेटाटार्सल का आपको फ्रैक्चर कैसे हो सकता है. फ्रेंड, जैसे कि बात करें मेटाटार्सल, जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारी फेलेंजस के ऊपर, जैसे आप फुट में देखेंगे कि लंबी सी बोन आपको स्पर्श करने में महसूस होती है, उसे हम बोलते हैं मेटाटार्सल बोन. अब फ्रेंड, जैसे कि फ्रैक्चर, तो फ्रैक्चर वाला ये आपको किसी भी तरीके से हो सकता है, जैसे कि आपका फुट है, फुट पर कोई हैवी ऑब्जेक्ट गिरने की वजह से हो सकता है, या फिर जैसे कि आप स्लिप खा के डायरेक्ट उंगलियों के बल स्लिप खा जाते हो उसकी वजह से हो सकता है, या फिर आपके जैसे कि मार्च, जैसे कि पुलिस आर्मी वगैरह की ट्रेनिंग होती है, तो वहाँ पर हाई रिपीटेशन होने के जो वहाँ पर कभी कभार स्ट्रेस फ्रैक्चर भी हो जाते हैं. उसके अलावा फ्रेंड, यहाँ पर आपको रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में किसी प्रकार से फ्रैक्चर हो सकता है. अब फ्रेंड, जैसे कि बात करें, ज़्यादातर मेटाटार्सल में फ्रैक्चर होने की संभावनाएँ कहाँ पाई जाती है, तो फ्रेंड यहाँ पर ज़्यादातर संभावनाएँ बनती हैं बेस ऑफ द फिफ्थ मेटाटार्सल, जिसे आप इस पिक्चर के द्वारा देख सकते हैं. यहाँ पर ज़्यादातर फ्रैक्चर होने की संभावनाएं बनती हैं, क्योंकि फ्रेंड यहाँ पर हमारा जो पेरोनियस लॉन्गस का टेंडन होता है तो वो अटैचमेंट होता है, तो कभी कभार यहाँ पर अवल्जन फ्रैक्चर हो जाता है. अवल्जन मीन्स आप समझें कि बोन जो टेंडन है वो बोन को उखाड़ देता है. हो सकता है आपके डिस्प्लेस भी हो सकता है और नॉन डिस्प्लेस भी आपके यहाँ पर हो सकता है. उसके अलावा फ्रेंड बात करें, जैसे कि फ्रैक्चर आपको किसी तरीके से हो सकता है, जैसे हो सकता है आपको साफ्ट ऑफ मेटाटार्सल का फ्रैक्चर हो जाए. अब फ्रेंड, ज़्यादातर यहाँ पर ये जो आपका फ्रैक्चर है ये आपको एक्सरे में दिखाई दे जाता है, भाई मेरे को किस तरह का फ्रैक्चर रहा. उसके अलावा यहाँ पर डॉक्टर का ओपिनियन बनता है, भाई यहाँ पर किस तरह से इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा. तो फ्रेंड यहाँ पर बात करें ट्रीटमेंट, तो फ्रेंड सबसे पहले ऑर्थोपेडिक सर्जन का एम होता है कि उसे रिडक्शन यानी मैनिपुलेशन द्वारा अपने अलाइनमेंट में ला जाए, चाहे वो डिस्प्लेस बोन हो. अगर फ्रेंड बोन अपने अलाइनमेंट में आ जाती है, यहाँ पर फ्रेंड आपको बिलोनी वॉकिंग प्लास्टर कास्ट अप्लाई किया जाता है, जो कि फ्रेंड हो सकता है आपका 3 to 4 वीक का, यानी रिडक्शन ले लिया बोन अलाइनमेंट आगे, तो वहाँ पर वॉकिंग प्लास्टर कास्ट अप्लाई कर दिया गया, जो कि आपके कितने दिन के रहा, 3 to 4 वीक. 3 to 4 वीक आपका प्लास्टर आपको निकाल दिया जाता है, फिर वहाँ पर थोड़ा सा आपको वेट देकर चलना होता है, यानी इस कास्ट के अंदर आप वजन डाल के तो पहले से ही चल सकते हो, लेकिन वहाँ पर हमारा कास्ट का सपोर्ट होता है. देन जैसे कि प्लास्टर निकाला जाता है तो वहाँ पर जैसे थोड़ा थोड़ा वेट डाल के आपको चलना होता है. फ्रेंड अगर मान के चलो जैसे कि बोन अलाइनमेंट में नहीं आती, तो वहाँ पर कभी कभार सर्जरी का ओपिनियन बनता है, जिसमें के वायर या फिर स्क्रू वगैरह का यूज़ किया जाता है. उसके बाद आप प्लास्टर कास्ट अप्लाई कर सकते हो, और इससे भी रखा जाएगा 3 to 4 वीक के लिए, देन इसमें भी आप चलना फिरना स्टार्ट कर सकते हैं. अब फ्रेंड इसके बाद बात करेंगे हम हमारी फेलेंजस बोन के बारे में. फ्रेंड जो हमारी फेलेंजस बोन है, जैसे कि हमने बात करी यहाँ पर 14 फेलेंजस है, तो फ्रेंड यहाँ पर ज़्यादातर जो हमारा टो होता है, टो के फ्रैक्चर होने की संभावनाएं होती है, क्योंकि वहाँ पर ट्विस्टिंग मूवमेंट पाई जाने की वजह से, वो ट्विस्ट करने की वजह से वहाँ पर फ्रैक्चर हो सकता है. अब फ्रेंड यहाँ पर आपको विशेष ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि फ्रेंड यहाँ पर ज़्यादातर ओपिनियन में सर्दी हालांकि कभी कभार हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर ओपिनियन में थोड़ा सा रिडक्शन लिया जाता है, जो हुलन
कॉटन आती है उसके बैंडेज की जा सकती है या फिर उसको स्टेपिंग की जाती है। स्टेपिंग में जैसे कि हमारे दो फिंगर है यहाँ पर कॉटन वगैरह अप्लाई करके उसको एक पट्टी के द्वारा उसको बांध दिया जाता है। तो ज़्यादातर ट्रीटमेंट इस तरह से किया जाता है। अब फ्रेंड यह पट्टी आपको या फिर स्टेपिंग आपको कब तक रखनी होती है, तो फ्रेंड यह आपका 3 to 4 वीक या फिर आपको 4 to 6 वीक आपको रखना होता है। यानी यू मान लो 3 to 4 वीक में तो आपको रखना है, उसके बाद में देन आप चलना फिरना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जो आपका पेन होता है पेन जाने में समय लगता है, यानी बता 3 to 4 वीक या 4 to 6 वीक इसके बाद में फ्रेंड पेन को जाने में हो सकता है आपको 1 मंथ का समय लग सकता है। यहाँ पर फ्रेंड यह था हमारा 4 फुट। अब फ्रेंड बात करें जैसे कि मिड फुट में हम कोबोइड वगैरह बोन पाई जाती है, नेविकुलर बोन, उनके जो ऐसे पार्ट्स है ये मिडल साइड में शिफ्ट है या लेटरल साइड में शिफ्ट है, तो उस वीडियो को फ्रेंड आप देखना चाहते हैं, यानी हमारे मिडल फुट का फ्रैक्चर कितने दिन में ठीक हो जाता है, कैल्केनियम बोन का फ्रैक्चर कितने दिन में ठीक हो जाता है और यहाँ पर हमें कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, फ्रेंड इन सभी वीडियो के लिंक मिलेंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फ्रेंड वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।